हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए एग्जिट जो एग्ज़ाम है वो कंपलसरी कर दिया गया है। माय फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, स्टूडेंट ने अपना डी फार्मा किया या बी फार्मा किया, उसने पढ़ाई कैसे की है कैसे नहीं की है कोई मैटर नहीं करता, अपने डॉक्यूमेंट्स लिए जाकर उसने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, स्टूडेंट को एक लाइसेंस मिल जाता था जिससे वो एक फार्मासिस्ट बन जाता था, मतलब अपना केमिस्ट वो ओपन कर सकता है या किसी कंपनी में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकता है। माय फ्रेंड्स, अब जो ये रूल आया है कि स्टूडेंट को फार्मासिस्ट बनने से पहले, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले उसको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, तो माय फ्रेंड्स अब क्या परेशानी आने वाली है उसको मैं आज डिस्कस करता हूँ। माय फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ के ये कोर्स किया है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो सिलेबस है वो सारा का सारा, जो डी फार्मा का जो एक सिलेबस होता है, फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने जो सिलेबस बनाया हुआ है, एक कॉमन सिलेबस है हर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसी में से आपका एग्ज़ाम आना है। लेकिन होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी केमिस्ट पर काम करते हैं, केमिस्ट पर काम करते करते उनको जो नॉलेज हो जाती है दवाइयों की, उनको पता चल जाता है कि कौन सी दवाई किस काम आती है, उनको एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल जो पढ़ाई की नॉलेज होती है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जो एक बुक्स पढ़ के आती है, वो नॉलेज उन स्टूडेंट्स को नहीं आ पाती। वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन उन्होंने करा होता है, लिया होता है जो अप्रूव होती है, और उन्होंने नॉन अटेंडिंग के तरीके से या किसी और तरीके से इजी तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर लेते हैं जहाँ पे वो पास आउट हो जाते हैं, उनको डिग्री मिल जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम अब होने वाली है माय फ्रेंड्स। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो मैं आपको बोलूँगा कि वो हिम्मत ना हारें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, बिकॉज एग्जिट एग्ज़ाम उनको हर हाल में आने वाले समय में क्लियर करना ही होगा। तो माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।